हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी जो बहुत ही चटपटी, क्रंची और टेस्टी होती है। इसे हमने बनाया हुआ है बैंगन से। बैंगन की ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इसे टी टाइम स्नैक के रूप में, डिनर में या लंच में दाल चावल के संग खाइए, बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसे बनाने के लिए मैंने 4-5 टोस्ट लिए हुए हैं, नॉर्मली जिन्हें हम चाय के संग खाते हैं। इन्हें हम रफली तोड़ करके एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इनका हमें ब्रेड स्क्रम बनाना है। तो ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब एक प्लेट में हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें एक तरफ रखते हैं और एक दूसरा बॉल ले लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए, साथ ही में 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा और 1 बड़ा चम्मच मैदा लेंगे। साथ ही में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। तो पहले थोड़ा ही पानी डाल करके इन्हें हम चलाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इनका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इनकी थिकनेस देख लीजिए, ना बहुत पतले और ना बहुत ही गाढ़ा बनाना है इसे हमें। अब इसे हम एक तरफ रखेंगे और यहाँ पे मैंने लंबे वाले 3 बैंगन ले लिए हुए हैं। इन्हें हमें छील लेना है। बैंगनों को छीलने के बाद हम इन्हें पानी में डुबा कर रखेंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो सारे बैंगन देखिए हमने छील लिए हुए हैं। अब इनकी हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से किसी प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर रख करके आप एक एक कट ऐसे लगाते हुए पहले लंबाई में काट लीजिए और फिर इसे पलट करके हमें काटना है। तो दूसरे साइड से अब हम इस तरीके से 2 कट और लगा लेंगे या फिर ऐसे हाथ में लीजिए और एक तरफ से 4 कट इस तरह से कट गए हैं। अब यह सामने से 2 कट और लगा लेंगे। तो ये देखिए फिंगर शेप में कट गए हैं। नीचे से देखिए अलग अलग हैं और ऊपर से ज्वाइंट हैं। तो सारे बैंगन हमने काट लिए हुए हैं। अब जो हमने मसाले पेस्ट बना करके रखे हुए हैं उन्हें थोड़े अच्छे से फेंट लेंगे और बैंगन को इसमें हमें डिप करके कोट करना है। इन्हें सब तरफ से अच्छे से मसाले लगाइए, अंदर में भी। और अब इसे जो ब्रेड का स्क्रम बना के हमने रखा था उसमें कोट कर लेंगे। इन्हें अंदर भी सब तरफ से अच्छे से लगाते हुए कोट कर लेना है। और बाकी के बैंगनों को भी हम इसी तरीके से पहले मसाले लगाएंगे और फिर इन्हें जो हमने टोस्ट पीस करके रखा हुआ है लगा लेंगे और फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरे तरफ से पलट देंगे। गोल्डन फ्राई होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे बैंगन हम फ्राई कर लेंगे। इनकी आवाज़ देखिए बहुत ही करारे ये बने हुए हैं। अब इन्हें और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इन पर थोड़े से मसाले डालेंगे। तो अभी भी ये बहुत ही अच्छे करारे बने हुए हैं। तो मसाला बनाने के लिए पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। फ्राई किए हुए बैंगनों पर इन्हें हम डस्ट करेंगे। जीरे की खुशबू और काले नमक का टेस्ट इनके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। इन्हें तोड़ करके देख लेते हैं। अंदर से भी ये बहुत अच्छे से पके हुए हैं, देखिए अच्छे से गल गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। लीजिए बन करके तैयार ही बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।